Robert Gordon University. The Robert Gordon University is commonly called RGU. It's a public research university in the city of Aberdeen, Scotland. It was established in 1992. Robert Gordon University ranked 801 in the QS World University Ranking by the top university, 65th in the Times Higher Education Guide 2023 and 93rd in the Guardian University Guide 2023. The university has moved up to 33 places and rising 43rd in the UK. Acceptance rate at this university is around 67% only. इसकी रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए FAFSC विद फाउंडेशन ईयर अगर आपने किया हुआ है, या अगर फाउंडेशन नहीं है इंटरमीडिएट भी किया हो तो स्टिल यू आर एलिजिबल, बट आपके गुड ग्रेड्स होना बहुत जरूरी है UK इक्विवेलेंट आपने कि अगर आपके 65% 70% 80% तक के मार्क्स हैं तो आपको कोई फाउंडेशन करने की नीड नहीं है, यू विल बी एलिजिबल फॉर बैचलर्स डिग्री। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम योर हायर एजुकेशन कमीशन विद द गुड CGPA। लाइक अगर आपका 4 पॉइंट स्केल है तो 2.5 लाइक आपके 60-69% होना बहुत जरूरी है, और अगर आपका पॉइंट स्केल 5 है तो 3.5 होना बहुत जरूरी है, जो कि 60-69% ही बनता है। GPA मैटर नो मैटर क्या है, आपका परसेंटेज में 60-69% होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो IELTS जो अंडरग्रेड पे रिक्वायर्ड है वो 6.0 ओवरऑल विद नो लेस देन 5.5, जिसमें ईच कंपोनेंट 5.5 होना बहुत जरूरी है। TOEFL ओवरऑल 80 होना चाहिए, जिसमें आपका रीडिंग 18 हो, राइटिंग 17 हो, स्पीकिंग 20 हो, लिसनिंग भी 17 हो। पोस्ट ग्रेड में 6.5 विद 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। TOEFL पोस्ट ग्रेड के लिए ओवरऑल 80 है विद 18 इन रीडिंग, बाकी राइटिंग आपका 17, स्पीकिंग 20 और लिसनिंग 17 होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस की। ट्यूशन फीसिस में जो आर्ट्स की डिग्री है उसकी फीस है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स 15,450 pounds, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 15,490 pounds के अंदर है। बिजनेस की डिग्री 15,450 में मिल जाती है। इंजीनियरिंग की जो फीस है वो 17,150 pounds है। हेल्थ साइंसेज 15,490 pounds में मिलता है और लॉ 14,420 pounds में। नर्सिंग 14,080, फिजियोथेरेपी 14,420 pounds, साइकोलॉजी 14,420 के अंदर आपको ऑफर करती हैं। साइंसेज की डिग्री 14,420 से लेकर 15,490 pounds के ऊपर है। ये तो थे अंडर ग्रेड। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर 15,490, सेम अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों की फीसें सेम है। बिजनेस डिग्री की अगर बात करूँ मास्टर्स लेवल पे पोस्ट ग्रेड लेवल पे 15,450 से लेकर 20,950 pounds पर एनम पर, डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम एंड मेजर। इंजीनियरिंग की डिग्री 18,230 pounds में मिलती हैं। हेल्थ साइंसेज बोथ प्रोग्राम इन 12,970 pounds में ऑफर हो रहे हैं। मास्टर्स ऑफ लॉ 14,130 pounds में होता है। साइंसेज की डिग्री 16,930 में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 15,450 में, रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोग्राम है मास्टर्स का वो 14,130 pounds में, इन्वायरमेंटल साइंसेज 16,930 pounds और डेटा साइंस 17,300 pounds में। ये यूनिवर्सिटी MBA 20,950 में ऑफर करते हैं। नर्सिंग 14,080, फिजियोथेरेपी 18,460 और पब्लिक हेल्थ 12,970 pounds पर एनम पर है। ये इसकी तमाम पोस्ट की फीस थी। अब डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप की। ये डू ऑफर अलुमनाई लॉयल्टी डिस्काउंट, ये 20% तक का डिस्काउंट होता है। डेफिनेटली नाम से पता लग रहा है कि अलुमनाई लॉयल्टी डिस्काउंट है। जो भी उसे ग्रेजुएट अलुमनाई है वो अपनी ग्रेजुएट डिग्री के बाद 20% तक का जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। जो कि सी ऑन माई स्क्रीन मैंने इसके एलिजिबल कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस कौन कौन से हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या आपने करना है, वो तमाम से मैंने मेंशन कर दिया है। सेकेंड जो स्कॉलरशिप है जिसे कॉल्ड इंटरनेशनल फंड, ये भी आप मेरी स्क्रीन पर देख लेंगे। ये काइंड ऑफ फंड है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने एलोकेट किया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाएँ तो ये ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी जिनको फाइनेंशियल क्रंच है थोड़ा सा और दे कैन जस्टिफाई कि जी उनको क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी फंड के अंदर से जो है आपको रिक्वायर्ड करती है। और इसमें अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड बहुत से स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कौन कौन से स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिकली काइंड ऑफ फंड है तो ये इंटरनेशनल और ये लोकल लाइक यूरोपियन यूनियन के जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल दोनों के लिए ही जो है वो जो है अगर आपके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं क्रंच है आर एलिजिबल। थर्ड जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड वाइस चांसलर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये आप समझें कि अवॉर्डिंग बॉडी इसका रॉबर्ट गॉर्डन खुद है। इसका जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है वो फुल फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मैंने इसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो ये पहले साल की पूरी ट्यूशन फीस आपकी वेव ऑफ कर देती है। अंडर ग्रेजुएट में आपके क्या कौन कौन से जो है ग्रेड क्या क्राइटेरिया आपने मीट करना है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर आप जाएँ तो मैंने इसकी तमाम डिटेल्स मैंशन की हुई हैं।